हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पास है दिव्या कंपनी की चंद्रप्रभा वटी। आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसके क्या फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, इसे लेने का क्या तरीका है, कितनी मात्रा में इसे लेना चाहिए और इसका आज के समय में इस मार्केट प्राइस क्या है। इस सब चीज की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चंद्रप्रभा वटी के बारे में। दोस्तों, चंद्रप्रभा वटी आयुर्वेद के अनुसार एक बहुत ही अच्छी दवा होती है, जो कि आपके मूत्र संबंधी और गुर्दे की समस्याओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। चंद्रप्रभा वटी को चंद्रप्रभा गुलिका या चंद्रप्रभा गुटिका के नाम से जाना जाता है। चंद्रप्रभा का मतलब होता है चंद्रमा और प्रभा का मतलब होता है चमक, यानी कि यह आपके शरीर के अंदर कांति लाती है, आपके शरीर को अच्छा बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही यह आपको आंतरिक चमक और ताकत भी देती है। दोस्तों, आज मैं आपको इसके फायदों के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसके वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज मिली होती है। दोस्तों, चंद्रप्रभा के अंदर गुगलू, शिलाजीत, सरकरा, लोह वसम, विदा लवन, स्वर्णमाक्षी वसम, ऐसे करके 20 से 30 सामग्री होती हैं, जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी रहती हैं। जानते हैं दोस्तों इसके फायदों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, चंद्रप्रभा वटी एक आयुर्वेदिक दवा है, जो कि अधिकांश बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह आपके शरीर में पूरी तरह से फायदा देती है। सबसे पहला फायदा होता है इसका यूटीआई में। जिन भी फीमेल्स को या मेल को यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है, उनके मूत्र मार्ग में किसी प्रकार की समस्या रहती है, रोजाना दो दो गोली चंद्रप्रभा वटी के खाने से यूटीआई की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका दोस्तों दूसरा फायदा होता है, जो भी पुरुष और महिलाएं अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाना चाहती हैं, फीमेल फर्टिलिटी या मेल फर्टिलिटी को बूस्ट करना चाहती हैं, वो चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल करें। यह आपके मोटापे को कम करता है। इसके साथ ही इसके अंदर एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि आपको सभी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की ग्लाइसीमिया या फिर प्रोटीनयूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ऐसे में आप चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके स्किन इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, त्वचा संबंधी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देता है। इसके अंदर दोस्तों एंटी हाइपरटेंशन वाले गुण पाए जाते हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, चक्कर आना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो भी आप चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके बुखार के लिए भी फायदेमंद रहती है, साथ ही साथ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। ये थे दोस्तों इसके कुछ फायदे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ फायदे हैं। ये आपके सूजन को दूर करती है। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, स्वेलिंग है, उसको दूर करती है। जोड़ों में दर्द, ज्वाइंट पेन की समस्या, गठिया की प्रॉब्लम, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब जानते हैं दोस्तों आपको इसकी कितनी मात्रा में लेना चाहिए। इसकी मात्रा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो इसकी मात्रा होती है, बच्चों के लिए तो हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही लेना चाहिए। बच्चे के आधार पर चंद्रप्रभा वटी को डॉक्टर की सलाह पर लें। जो भी बड़े होते हैं, उन्हें एक से दो गोली दूध या पानी के साथ लेनी चाहिए। भोजन करने के बाद 2 या 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह या शाम इसका इस्तेमाल करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और हाई बीपी के जो पेशेंट हैं, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप जानते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। दोस्तों, ये 20 ग्राम की सीसी है, जो कि 35 या 40 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी। या 5 साल तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है, यानी कि आप 5 साल तक इसे अच्छी प्रकार से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसकी कुछ सावधानियां भी बता देना चाहता हूँ। इसका उपयोग करने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो भी गर्भावस्था वाली महिलाएं हैं, वो चंद्रप्रभा की वट्टी से बचना चाहिए उन्हें ज़्यादातर तो, लेकिन डॉक्टर का सलाह देता है तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी प्रकार की आप एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 घंटे का गैप रखना है, यानी कि आप एलोपैथिक दवाओं का लेने के बाद 2 घंटे बाद चंद्रप्रभा वटी का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी प्रकार की हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको इस गोली का, जो भी ये दवा होती है, इसका परहेज करना चाहिए, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ये कहाँ मिलेगी। आप इसे पंसारी की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पर या कहीं भी आयुर्वेदिक सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसलिए दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।